अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दैट पेज ऑफ डायरी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और रमजान भी अच्छे से गुजर रहा होगा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन चीज बंस। सबसे पहले इसकी डो बनाते हैं और इसको बनाने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड हैं प्लीज नोट कर लें। डो बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप प्लेन फ्लोर ले लें, उसमें 1 टेबलस्पून चीनी की, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून यीस्ट और एक अंडा डाल के इसको गूंद लें। पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। एंड में 2 टेबलस्पून ऑयल हाथों में लें और हाथों को ग्रीस करके एक दफ़ा फिर इसको गूंदें। जब ये अच्छे से गूंदा जाए तो एक कंटेनर लें और उसमें इस डो को डाल दें। ये कंटेनर ऐसा एयर टाइट होना चाहिए कि इससे हवा अंदर ना जा सके, और फिर किसी गर्म जगह पर रख दें। इस डो को फूलने के लिए तकरीबन 40 मिनट के लिए छोड़ दें। और दूसरी तरफ अब हम इसकी बंस फिलिंग बनाते हैं। बंस फिलिंग बनाने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं प्लीज़ नोट कर लें। सबसे पहले 4 टेबलस्पून ऑयल में एक दरमियानी कटी हुई प्याज को डालें और उसको ब्राउन होने दें। फिर इसमें एक अच्छे से कटा हुआ टमाटर डाल दें। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। फिर एक जूलियन कर्ड शिमला मिर्च डाल दें। इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉटे करने के बाद 1 कप श्रेडेड चिकन डाल दें और अच्छे से मिक्स कर लें। फिर 1 टेबलस्पून विनेगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला डालें और मसाले को अच्छे से भून लें। फिर 1/2 कप जूलियन कर्ड बंद गोभी लें और उसको भी इस मिक्सचर में डाल दें। ये सब चीज़ें साथ साथ मिक्स करते रहें। एंड पे 1 टीस्पून ओरिगानो डालें और मिक्स कर लें। इस मिक्सचर को कोयले का धुआं लगाने के बाद मैंने एक बॉल में डाल दिया है और एंड में अब मैं इसके ऊपर धनिया डालने लगी हूँ। कोयले के धुएं की खुशबू मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसको डाला है। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो बेशक रहने दें। चलें जी, हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, अब हम बंस बनाते हैं। ये देखें हमारी डो कितनी अच्छी फूल गई है। अब हम इसको थोड़ा सा और गूंद लेंगे। जब ये थोड़ी फाइन शेप में आ जाए तो हम इसके छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। हम 7 लोग हैं घर में, तो मैं इसके 1 कप से 7 बॉल्स बनाऊंगी। अब इसको हाथों की मदद से थोड़ा प्रेस करें और एक रोटी की शक्ल दे दें। फिर थोड़ा सा चिकन मिक्सचर इस डो के ऊपर रखें और इसमें फिर चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डाल दें। अगर आपके घर में चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें कॉटेज चीज़ भी डाल सकते हैं और मायोनीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसके चारों कोनों को बंद कर दें और रोल करके इसको एक बंद की शक्ल दे दें। इसी तरह एक एक करके मैंने सारे बंस बना लिए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया है। एंड में इन बंस की ब्रशिंग करने के लिए मैं एक फेंटा हुआ अंडा लगाऊंगी, ऊपर तिल और थोड़ी सी कलौंजी डालूंगी और फिर इनको तलने के लिए ऑयल में डाल दूंगी। मीडियम हीट ऑयल में मैंने इनको डाला है और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तभी मैं इनको निकालूंगी। ये बंस विदाउट ओवन बने हैं तो इनको बनने में भी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अगर आप इनको पहले से फ्रीज करके रख देंगे तो ये आपकी मिनटों में बन जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इस दुआ के साथ अलविदा कहती हूँ कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इट्स मी अफीफा मरियम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।